गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एकादश पाठ चतुरह वानर पढ़ेंगे। तो इसका मैं आपको अनुवाद बता देती हूँ। पहला पैराग्राफ है आपका, एकस्मिन् नद्दा तीरे से लेके तस्य वानरस्य मित्रम अभवत तक। तो इसका अनुवाद देखते हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज उसके फल को खाता था। कोई मगरमच्छ भी उस नदी में रहता था। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन का फल देता था। उससे प्रसन्न मगरमच्छ उस बंदर का मित्र बन गया। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए। एकदा मकर कांचित से लेकर तस्य वानरस्य हृदयम तक का है। तो ये देख लेते हैं इसका अनुवाद। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को भी देने के लिए ले आया। उन्हें खाकर उसकी पत्नी सोची, अरे जो रोज ऐसे फल खाता है निश्चित रूप से उसका हृदय भी अत्यंत मधुर होगा। वह पति से बोली, हे स्वामी, जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मधुर होगा। मैं वही खाना चाहती हूँ। उसका हृदय खाने के लिए मेरी प्रबल इच्छा है। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र उस बंदर का हृदय ले आओ। इस प्रकार से आपका ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ देखिए। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। पत्निया हठात विवश मकर से लेकर मकर पृष्ठे उपाविश उपा शिवत शिवत तक का देखिए। तो उसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। पत्नी के हठ यानी कि जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर बंदर से बोला, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए मेरे घर आओ। बंदर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मगरमच्छ बोला, चिंता पर्याप्त हुआ, अर्थात चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा करके घर ले जाऊंगा। उसके वचनों को सुनकर उस पर विश्वास करके बंदर उस वृक्ष के तने से उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। नदी जले वानरम से लेकर दत्वा त्वाम शोष्यामि इति तक। इसका देखते हैं। नदी के पानी में बंदर को विवश मानकर मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए ही मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। चतुर बंदर ने शीघ्र कहा, अरे मूर्ख, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मेरा हृदय तो पेड़ के खोखर में ही रखा हुआ है, इसलिए वहीं ले चलो, मैं अपना हृदय लाकर भाभी को देके उसे संतुष्ट कर दूंगा। उसके बाद अगला पैराग्राफ। मूर्ख मकर से लेकर जो श्लोक है अगला, मैत्री क्व संभवा तक। इसका देखते हैं। मूर्ख मगरमच्छ उसके छिपे हुए आशय को न जानकर बंदर को फिर उसी पेड़ के पास ले गया। तब पेड़ पर चढ़कर बंदर बोला, धिक्कार है मूर्ख, क्या हृदय शरीर से अलग रहता है? इसलिए अब जाओ, तुम्हारे साथ मेरी मित्रता यानी कि दोस्ती समाप्त हो गई है। किसी कवि के द्वारा सत्य कहा गया है कि जिन दो के बीच विश्वास होता है कि उन्हीं दो के बीच मित्रता होती है।
जिसमें विश्वास नहीं होता उसमें मित्रता कहाँ संभव होती है। तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, और इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगी, उसको आप लोग देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।